नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा सरकार में भाजपा सहयोगी दल जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष फसलों के बड़े एमएसपी को कम बताया। उन्होंने कहा कि मैं एक किसान के नजरिए से मानता हूं कि ये बिल्कुल कम है, थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए था एमएसपी। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा सरकार में भाजपा के सहयोगी दल जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने फसलों के एमएसपी को बताया सबसे कम। कहा, कोरोना काल में मैं किसान के नजरिए से मानता हूं कि थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए था एमएसपी। किसान के लिए और होना चाहिए कुछ न कुछ, क्योंकि किसान पर कभी सूखे और कभी बरसात तो कभी ओलावृष्टि पड़ती रहती है। केंद्र सरकार ने कल की थी नए एमएसपी की घोषणा। धान पर 53 रुपये, कपास पर 260 रुपये, बाजरे पर 150 रुपये एमएसपी बढ़ाई गई। जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष फतेहाबाद के टोहाना के किसानों से मिले, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा धान, कपास, बाजरे सहित विभिन्न फसलों पर जो एमएसपी बढ़ाया गया है, मैं एक किसान के नजरिए से उसे कम मानता हूं। सरदार निशान सिंह ने कहा कि कोरोना काल में जहां एक तरफ हर वर्ग के लिए आर्थिक मार पड़ रही है, वहीं किसान की हालत भी बुरी है। उस पर हर तरह की मार लगातार पड़ती रहती है। कोरोना काल में किसानों पर मौसम की मार हमेशा पड़ी है। ऐसे में जरूरी है कि केंद्र सरकार एमएसपी को और थोड़ा बढ़ाए, इससे किसानों को लाभ मिलेगा। हालांकि निशान सिंह ने फिलहाल बढ़ाए गए एमएसपी को लेकर के धन्यवाद किया, लेकिन एक किसान के नजरिए से उन्होंने बढ़ाने की मांग भी की। यह पहली बार नहीं है कि बीजेपी के किसी फैसले को लेकर के जेजेपी की हरियाणा में अपनी अलग प्रतिक्रिया रही हो। इससे पहले भी कई बार मामलों में जेजेपी और बीजेपी के बीच में अपने बयानों को लेकर के कई बार कंट्रोवर्सी देखी गई है। आप देख रहे हैं पल पल के विशेष रिपोर्ट। सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो एमएसपी की रेट की घोषणा की गई है, क्या वाजिब है आपकी नजर से किसानों के लिए? देखिए, जो रेट जो दिए गए, एमएसपी जो तय की गई है केंद्र सरकार द्वारा, अगर तो मुझे एज ए फार्मर आप लोग पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि कम है, क्योंकि समय हर व्यक्ति के लिए बुरा समय है, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, और किसान के लिए तो हमेशा मौसम की अनुकूलता ना रहनी, किसी तरीके से बाढ़ से, सूखे से, बरसात से नुकसान हो जाना, ऐसी चीज़ें रहती हैं, रिस्की है किसान का जो काम है। तो मैं तो मान के चलता हूँ, जैसे धान है, पैडी है, 53 रुपये एमएसपी इसकी बढ़ाई है केंद्र सरकार ने, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ जैसे बाजरा है 150 रुपये है, मक्का 90 रुपये है, कपास 260 रुपये है, तो थोड़ी सी बढ़ोतरी इसमें होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार को चिंता होती है, घर के मुखिया को, अपने पूरे देश के लोगों की, गरीब के लिए भी उन्होंने, उसके भी रोटी रोजी के लिए साधन करने हैं। बहुत सारे पैसा इस कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से जितना देश के अंदर आज हेल्प करनी पड़ रही है सरकार को, इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकारों के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बचते ऐसे हालात में, तो मैं मान के चलता हूँ उन्होंने सोच समझ के किया होगा, और जो भी उन्होंने किया है उनका धन्यवाद है।